एडवोकेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। और आज जो हम चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल और फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में दो भर्तियाँ थी, एक क्षेत्र रक्षक की भर्ती और एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती। तमाम बहुत सारे बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, फिजिकल कब होगा, तमाम चीज़ों कब होगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये वीडियो बन रही है, सिर्फ और सिर्फ टोटल डेडिकेटेड है इस भर्ती को लेकर। सबसे अच्छी बात इस भर्ती की जो ये है कि इसका रिजल्ट वेल प्रिपेयर्ड होकर के सब कुछ हाई रॉप पर रखा है। सिर्फ अभी मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई कि इसका रिजल्ट ना निकलने की वजह, तो सिर्फ एक ही उसका हर्डल्स था, वो हर्डल्स था OBC का 27% रिजर्वेशन। 27% रिजर्वेशन जिसकी वजह से इन्हें लगा कि चुनाव के पहले पहले मामला ठीक हो जाएगा तो शायद जो है हम 27% के मुद्दे को सही तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन 27% लगातार कंटिन्यू रहा और रिजल्ट रेडी होने के बावजूद भी व्यापम ने रिजल्ट को जारी नहीं किया। लेकिन अब चूंकि MP पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी तीनों का ही रिजल्ट जो है होल्ड पर है, तो सबसे ज्यादा जद्दोजहद इस बात की चल रही है कि अब क्या करें। तो सबसे पहले MP पुलिस के पहले सबसे ज्यादा संभावना बनती है हमारी कि फॉरेस्ट गार्ड और हमारा जेल प्रहरी और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल का रिजल्ट आए, जिसका जो रिजल्ट है आपको जारी होगा। और आप ये समझने का प्रयास करें कि इसका रिजल्ट नवंबर में आपके आने की पूरी चांस है, लेकिन इसका जो फिजिकल है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पहले पहले इसको करवा लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के पहले आप एक फिजिकल जो है अपियर कर चुके होंगे मध्य प्रदेश जेल का और मध्य प्रदेश असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल का और फॉरेस्ट गार्ड का। दोनों ही चीजों के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो भी हर्डल्स है उसको समझ लीजिए। बाद में फिर आप लोग फिफी आते हैं यहाँ से वहां, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी और इस साल भी जो है लगातार बाहर होते हैं कुछ खास छोटी छोटी चीजों से। मैं उन्हीं की चर्चा आज करने वाला हूं जिनको हमें तैयार करके रखना है। अगर हम तैयार करके रखें, ठीक है, अगर हम तैयार करके रखते हैं इन सब चीजों में, तो हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या चीजों के हमारे बारे में समझ। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका जो बच्चे, एक जो बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट हमारा है, आपको पता है आपका 10th का, ठीक है, आपका 12th का, बस इतना ही रखिए आप, क्योंकि ये भर्ती जो है 10th-12th की है। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे ASJ के लिए भी गए हैं, तो उनके साथ मांगा जाएगा ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का भी आपको रखना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्या फॉर्म भरा है, ASJ का ही भरा है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक का जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें। इसके बाद आपका मूल निवासी जो है, आप जो मध्य प्रदेश के हैं तो मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, ये एक सामान्य कैटेगरी के बच्चे के पास होनी होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जब OBC और EWS की अगर बात करते हैं, तो आपका OBC का सर्टिफिकेट और EWS का है तो EWS का सर्टिफिकेट, साथ में आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो SC ST के वर्ग के लोग हैं तो उनका SC ST SC का आपका जो आपका सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। अब एक डॉक्यूमेंट है जो आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी आप चूंकि आपके रूल बुक में मौजूद है, वो आपको तंग करेगा, जिसका नाम है रोजगार पंजीयन। अब इसको अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि इस रोजगार पंजीयन की लड़ाई मैंने बहुत लड़ी है, ठीक है, और इस केस को जीतने के बाद आज काफी बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। अभी कल की परसों की बात बता दूं आपको, मैं परसों भी एक ऑर्डर हुआ है, ठीक है, दो दिन तीन दिन पहले की बात है, हेमलता अहिरवार करके, उसके एक दिन पहले हुआ था माधवी ओझा का ऑर्डर, ठीक है। इन सभी केसेस में जो मेरे केस का रेफरेंस पूरी तरह से है, और मैं ही इन दोनों केसेस को भी हाल ही में लीड किया था, उसके पहले ओम प्रकाश सिंह रौरे, बहुत सारे तमाम केसेस है जिसकी वजह से रोजगार पंजीयन को सेट असाइड किया गया कि नहीं, रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं है। लेकिन आपको फिजिकल के समय भगाया जा सकता है, मैं कह रहा रोजगार पंजीयन की वजह से भगाया जा सकता है। कब? बहुत सारे ऐसे वाम बच्चे होते हैं, देखो दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन बनती है जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने क्या भरा था, फॉर्म भरा था, उस समय आपका पंजीयन जो है जीवित नहीं था, ठीक है। और दो कंडीशन बनती है कि जीवित तब था लेकिन अब आपके पास नहीं है।
तो मान लीजिए तब जब आपने फॉर्म भरा तब अगर जीवित था तो आप एक नया रोजगार पंजी बना के साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जब का जब फिजिकल होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होगा, तो वहीं से बच्चों को, काफी बच्चों को बाहर किया जाता है। और जिनका जीवित नहीं है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही कहीं भड़बड़ाने की आवश्यकता। बस एक ही चीज करना है कि जैसे ही अगर आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे एग्जाम्पल के लिए आपका जेल प्रहरी का फिजिकल हो, आपका फर्स्ट गार्ड का फिजिकल हो, या आपका ASA का फिजिकल हो, या MP पुलिस, MP जो है PCRT, MP पुलिस कांस्टेबल 2023, इनमें से किसी के भी फिजिकल में अगर आपको किसकी वजह से भगाया जा रहा है, रोजगार पंजन की वजह से भगाया जा रहा है, तो कहीं भी नहीं भागना, सीधे एक ऑफिस और एक नंबर याद रखना, चौहान एकेडमी और दिनेश सिंह चौहान, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान, क्योंकि जितना आप यहां वहां भागोगे उतना ही आप लोग परेशान और प्रताड़ित होंगे। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको जैसे अगर रोजगार पंजीयन की वजह अगर भगाया जाता है, ठीक है, तो आपको इतना दिमाग पर रखना कि सर आ जाइए, और आपको मैं ये आश्वासन देता हूं कि आपको आपकी जॉब से उस वक्त कोई नहीं भगाएगा, लेकिन हाँ समय से, मतलब अगर आप फिजिकल चल रहे हैं तो आपका दोबारा फिजिकल लेंगे, हर हाल में लेंगे लोग, ठीक है। तो दिमाग पर रखेंगे, नंबर आप लोग सेव करिएगा 7827282211, ठीक है, इसको सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के लिए बता दीजिए, ADBDS चौहान, ठीक है, ये आपको बड़ा काम आएगा, खासकर क्योंकि जब मुसीबत आती है तो सिर्फ यही व्यक्ति आपको याद आता है, बाकी सब हाथ बीच में खड़े कर देंगे। तो ये पहले से बता रहा हूँ, ये जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि इसमें एक भर्ती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का, बहुत सारे बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, जब शॉर्ट लिस्ट होंगे 7 गुना जो है 10 गुना जो भी बुलाया जाएगा इनको जेल प्रहरी में, और इनमें 10 गुना बुलाया जाएगा, और पुलिस कांस्टेबल वगैरह में आपको कितना जो है आपको बुलाया जाएगा, लगभग लगभग 7 गुना, और फॉरेस्ट गार्ड में 3 गुना। और इनके सबकी क्या है, इनकी क्वालिफाई मार्क्स नहीं है इसमें, इसका मतलब यह है जैसे फॉरेस्ट गार्ड की है 25 किलोमीटर आपको चलना है, लड़कियों को कम चलना पड़ता है, 12-14 किलोमीटर है आपका, और आपके पास पर्याप्त समय होता है आप चल सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, और जेल प्रहरी में और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल में इस पे 800 मीटर की आपकी रेस होगी, जिसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई है, आपका जो है गोला फेंका जाएगा, ठीक। तो ये तमाम चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छे से प्रेशर करके रख लीजिए कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं, इससे संबंधित, सिर्फ इससे संबंधित, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो वीडियो बने एकदम फुल इंफॉर्मेटिव रहे और आप इंफॉर्मेशन से लबालब रहें कि हाँ भाई हमारे लिए चीजें कंप्लीट हो गई। चलिए मैं आप लोग कमेंट्स पढ़ रहा हूं सर वी ट्रस्ट यू सर मोर देन इन गवर्नमेंट्स अथॉरिटी एंड लव यू सर, यू आर द होप ऑफ द रे ऑफ फॉर अस। विठल शर्मा थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट, और मेरी कोशिश है विठल शर्मा जी कि मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छा प्रयास कर सकूं, मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूं, कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, ह्यूमन एरर हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, पर मैं कोशिश होती जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि उसमें एरर ना हो, है ना, मेरी कोशिश है ताकि आपका ट्रस्ट जो है हमेशा बना रहे। आपके वीडियो जीने की आस मिलती है सर, रविंद ठाकुर थैंक यू सो मच। पटवारी पे कल वीडियो बनेगी, क्योंकि पटवारी पे कल वीडियो बनेगी, और तुम्हें पता जब पटवारी पे वीडियो बनती है तो काफी लोगों को आग भी लगती है ना चलिए तो कल उसकी चर्चा करेंगे उसमें। और एक बात और दिमाग पे रखना, अभी चूंकि आचार संहिता इसलिए मैं चुप हूं, अगर आचार संहिता जैसे हटी और ये रिजल्ट और बाकी तमाम चीजों में कुछ भी देर ला पात लो तो फिर टेंशन ना लो, दिनेश सिंह चौहान अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, अपन पहुंचेंगे भोपाल, ठीक है, फिर से शुरू करेंगे, जो भी नई सरकार आएगी उसका स्वागत हमारे एक शानदार आंदोलन से होगा, अगर समय आ रहते उन्होंने रिजल्ट और तमाम चीजों को नहीं किया तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, लेकिन इस पे एक सबका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वो मामा फूफी की तरह शादी का समय आता तो फूफी फूफा की तरह जो है मुंह फुला के बैठने का प्रयास ना करें कि नहीं मेरे लिए आपने नहीं कहा था, को नहीं कहा था कि
कि मैं इस भर्ती वाला हूं उस भर्ती वाला हूं, ठीक है। पर्सनल अपनी चीजें घर में रखिए, जब बात आती साथ में लड़ाई करने की तो साथ में लड़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए सर मेरे 77 नंबर है, बिल्कुल ज्ञान सागर भैया, हाँ बिल्कुल 77 है, तो आप बिल्कुल करिए इसमें, ठीक है। चलिए अच्छा एक और चीज़ है, स्वरोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, न्यू बनाना, पुराना अपडेट नहीं हो गया, न्यू, हाँ तो न्यू बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो एक्चुअली रीजन ये है, हम लोग यहाँ जिंदा दिल लोग, और सरकार को चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार आए, ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि अपन किसी से बिकने वाले हैं नहीं, चाहे वो अभी यहां तो बीजेपी कांग्रेस का ही, अगर आम आदमी पार्टी को दूर दूर तक नारा नहीं या किसी अन्य पार्टी का, पार्टी किसी की भी सरकार आए, दिनेश सिंह चौहान बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो, मित्र हो मेरे, है ना, सखा सखी हो। तो सभी सखा सखियों से बहुत विनम्र आग्रह, ये मित्र आपके लिए खड़ा है, डटा है, सरकार किसी की भी आए, बखिया उधेड़ेंगे हम और उनको बताएंगे कि युवाओं के बिना आप पत्ता नहीं ला सकते हैं, और हम आपको तब तक तंग करेंगे जब तक आप हमारे हमारा काम नहीं करते हो, या सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट दैट, व्हाट इज अ जेल, व्हाट इज अ दैट, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सबका सपोर्ट होना चाहिए, फिर तो हम देख लेंगे, ठीक है, तूफान मचाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ बच्चे हैं जो बात करें एनसीसी के लिए, सुनना अच्छे, एक बहुत बहुत ऐसे हैं, ठीक है। अगर एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्या सर्टिफिकेट बेटा, सी सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपको पता है इसकी बकी बड़ी बकियां उधेड़ी गई थी, तब जाके डी हटा था, क्योंकि इन्होंने सी ए डी एक साथ दे दिया था, ठीक है, उसको हटाया गया था बाद में। तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट, उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्क्स किस में मिलेंगे मेरे बच्चे, जो आपका प्राप्तांक मार्क्स है, क्या बेटा, प्राप्तांक, समझिए बात को, प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा मान लो एग्जाम्पल के लिए वो 100 नंबर के पेपर में वो जो है मान लो 90 नंबर आता है, ठीक है, तो ये जो 90 मार्क्स में जो 5% बनेगा, अब बताओ 90 का 5% क्या होता है, जो 90 का 5% होगा वो एक्स्ट्रा 5% इसमें और मार्क्स इसको जुड़े जाएंगे, ये होगा आपके एग्जाम में। अगर आपके ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट टिक किया है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा, एमपी जो आपका पीसीआरटी का उसका पेपर की बात करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, या जहां भी इसमें दिया गया है 5% का, तो 5% आपका ऑप्टेन मार्क्स में, जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उस अंक में आपको 5% दिया जाएगा, कोई दिक्कत।